And now we come to the very important part here, and that is deployment and birth. Very, very, very important part here, deployment and birth. I think someone told me this is removed from the chapter, but let me do this because you will find it interesting and everyone should understand the deployment process or birth process. Okay, everyone should know that. Okay, I would just say everyone should know that. So let's do this. Yeah. Chaliye. Chalte aage bade. Is this clear? So we can go ahead. Quickly let me know. Are we clear till here? So we can go ahead. Guys. Thank you, Aditya. Okay, thank you, Pooja. Thank you, Aditya. Thank you, Lakshmi. Let's go ahead. So, again, मैं पहले आपको एक पिक्चर से दिखा देते हैं, फिर मैं आपको एक वीडियो फॉर्म में दिखाएंगे तो आपको और बहुत ज्यादा क्लियर आएगा. ठीक है, मैं आपको पहले बहुत सारे बेसिक्स बताने वाले हैं. ठीक है, समझिए, ध्यान रखिएगा. ये रहा ओवम, दिस इज ओवम. ये फर्टिलाइज होता है स्पर्म से. ठीक है, सीमेन तो रिलीज हुआ, बट फर्टिलाइजेशन इज डन ओनली विद द हेल्प ऑफ स्पर्म. याद रखिएगा, सीमेन तो रिलीज हुआ बट फर्टिलाइजेशन स्पर्म से होता है. लिक्विड, बाकी का जो लिक्विड रहता है उससे कुछ नहीं होता है. ठीक है, वो सर्वाइव करने में वो हेल्प करता है स्पर्म को वहां तक पहुंचने में. फिर फ्यूजन होता है. फ्यूजन मतलब कि मिलना, बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन के बाद से जायगोट बनता है. ये देखिए, यहाँ पे दो स्पर्म, ये एक साइड का स्पर्म है और ये ओवम है. उस साइड बोल सकते हैं इसको. मैच्योर होने के बाद ओवम ऊसाइट कहलाता है. तो ऊसाइट और स्पर्म का फ्यूजन हुआ. राइट, दे मिल, दे यूनियन हुआ, वहां पे मिक्स हो गए, मिल गए. वहां पे मिलने के बाद एक सेल बनाएंगे, एक बड़ा सा सेल बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड जायगोट. ये जायगोट बन जाता है. यहाँ पे जायगोट का फर्दर, अब यहाँ पे माइटोटिक सेल डिविजन स्टार्ट होता है. इसका फर्दर सेल डिविजन स्टार्ट होगा, तो टू सेल, फोर सेल, एट सेल, दिस इज कॉल्ड यहाँ पे मोरूला. ये याद रखिएगा, 16 सेल्स. मोरूला इज फॉर्म्ड थ्रू द 16 सेल्स. यहाँ पे 16 सेल बनेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोलने वाला हूं, ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट, अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूं कि ये स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे लिक्विड भर जाता है. यहाँ पे लिक्विड भर जाता है और यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है मोरूला का, दिस इज कॉल्ड एज इनर सेल मास. इनर सेल मास बोलते हैं इसको. ये मतलब कि जो बेबी को प्रोड्यूस होने में बाद में मास, मास ही ना, वहां पे मास की फॉर्म में बन जाता है. मतलब अब यहाँ पे सेल विजन इकट्ठा और क्लोज होकर के दे फॉर्म द मास, दे फॉर्म द इनर सेल मास. याद रखिएगा, दे फॉर्म द इनर सेल मास. ठीक है, मैं आपको चाहिए तो एक बार और रिपीट कर देता हूं कि ब्लास्टोसिस्ट इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, जो अर्ली डेवलपमेंट में आता है और ये 16 मोरूला के बाद आता है, 16 सेल्स पे आता है. ठीक है, 16 सेल्स पे आता है, याद रखिएगा, 16 सेल्स पे आता है और ये बनता है 5 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन. 5 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 5 दिन बाद बनता है. याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन 5 डेज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. किसी ने कहा था ना, प्रेग्नेंट पता चलता है क्या फर्टिलाइजेशन से? तुरंत पता चलता है प्रेग्नेंट है वुमेन और नहीं. तो आप ये समझ सकते हो कि फर्टिलाइजेशन के 5 दिन बाद बनता है. ओके, और ये 16 सेल्स होते हैं इसमें. और जब ये इम्प्लांट हो रहा होता है, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम लाइन. ये देख लो, लाइन जो दिख रहा है ना, यहाँ पे लाइन जो दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे और यहाँ पे, ये ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम लाइन. यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको एंडोमेट्रियम. वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोमेट्रियम लाइन बोलेंगे इसको. ठीक है, ये थिक होने लगती है. दिस स्टार्ट्स गेटिंग थिकर. जब ये थिक होगी तो यहां से जो आपका ये आया ना इम्प्लांट, ये जो आपका यहां पे आ रहा है आपका, जो वंस अगेन लेट मी यूज द डिफरेंट कलर, ये जो आपका यहाँ पे आपका ये जो आया है ब्लास्टोसिस्ट आया, ये यहाँ पे इम्प्लांट होता है. मतलब एक जगह जाके स्टेब्लिश हो जाता है. दिस इम्प्लांट, ओके, फ्लूड फील्ड कैविटी है. याद रखिएगा, यहाँ पे लिक्विड बोलने के बजाय मैं फ्लूड बोल देता हूँ. यहाँ पे एक और चीज, वर्ड, अनदर वर्ड आई विल यूज, फ्लूड फील्ड कैविटी है ये. ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लांट होता है. ये कहाँ पे इम्प्लांट होता है, अगेन आई विल से,
वेयर डज दिस इम्प्लांट, यहाँ पे एंड्रोमेट्रियम लाइन में इम्प्लांट होता है, दिस इंटायर एरिया इज कॉल्ड एज यूटरस, यूटरस में इम्प्लांट होता है ये, कहाँ पे इम्प्लांट होता है, यूटरस में इम्प्लांट हो रहा होता है, दिस इम्प्लांट इन द यूटरस, ठीक है, इज देयर एनी डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोना वॉच अ स्मॉल वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो है, एंड विच विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, जो इसका आपको प्रोसेस का डेवलपमेंट एंड बर्थ प्रोसेस को कंप्लीटली अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे, ठीक है, चलिए लेट्स वॉच दैट वीडियो हियर। ओके आई थिंक यू ऑल कैन सी इट, कैन यू ऑल सी द न्यू स्क्रीन नाउ, नो राइट, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Okay, so you all just saw the video, okay, how the development happens. I will repeat it through this, through the textbook's paragraph only, okay, I will just repeat it through that only, so you can get more clarity on this, okay, yaad rakhiyega, jaise jaise zygote form hota hai, okay, as soon as the zygote is formed, okay, as soon as the zygote is formed here, as soon as the zygote is formed, okay, to yahan pe kya hota hai, That, वहां पे जायगोट का सेल डिविजन स्टार्ट होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू टू सेल्स, देन फर्दर फोर सेल्स, याद रखिएगा, फर्दर एट सेल्स, एंड देन मोरूला इज फॉर्म, 16 सेल मोरूला इज फॉर्म, ये कब होता है, मोरूला बनता है आपका एटलीस्ट आफ्टर 5-6 डेज, याद रखिएगा। अब ध्यान से एक और बात सुनिए, जब आपका ब्लास्टोसिस्ट, आई विल राइट इट हियर, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, यहाँ पे सिस्ट हमने पढ़ा था, ब्लास्टोसिस्ट अमीबा के केस में भी, राइट, वहां पे अमीबोलाइज फॉर्म हुए थे, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, याद रखिएगा, जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाएगा, once the blastocyst is implanted, then you can say that is the first day of pregnancy. Tab wahan pe pata chalta hai ki the woman is pregnant. First day of pregnancy. There you get to know about pregnancy. Pregnancy. Once the blastocyst is implanted, and that is around 5 to 6 or 7 to 8 days. I would say 7 to 8 days. Okay. Or let's say 6 to 7 days. Let's say 6 to 7 days. Okay. So there you get to know the woman is pregnant after the fertilization of 6 to 7 days. Before that, you cannot get to know whether the woman is pregnant or not. Once the blastocyst is implanted, okay, the embryo formation has been started. मतलब implant होके थोड़ा दिन बाद embryo formation start होता है. You can see here. ये देखो यहाँ पे. ठीक है? ऐसा. ये तो एम्ब्रायो फॉर्मेशन है पूरा पूरा, ये ग्रोथ ऑफ एम्ब्रायो है, ये नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो वहां पे ही दैट इज काउंटेड एज द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, दैट इज काउंटेड एज द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ सो अगेन आई विल रिपीट अगेन, तो जैसे ही जायगोट बना वहां पे अंडरगोस रिपीटेड माइटोटिक डिविजन, मियोसिस तो आपके ओसाइट बनने के लिए हो गया, स्पर्म बनने के लिए हो गया, अब होगा माइटोटिक डिविजन, क्योंकि वहां पे सेल ग्रोथ होगी, और क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो डायरेक्ट नहीं बनता, कैसे बनता है, टू सेल से फोर सेल, फोर से एट सेल, एट से मोरूला, 16 सेल, एंड देन द ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म, एंड देन द एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड, आई विल राइट हियर, एम्ब्रायो, उसके बाद एम्ब्रायो आता है, एम्ब्रियो फॉर्म, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियो आता है, तो वंस द एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड, इट इज यूटरस की तरफ आ गया, और आपने देखा कि ओविडक्ट से जब सेल डिविजन स्टार्ट होता है, दैट इज पुश्ड टुवर्ड्स द यूट्रस, वो यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है, ठीक है, यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है, रिमेंबर इट इम्प्लांट्स इन द यूट्रस, ठीक है, नाउ देयर द फर्दर डेवलपमेंट ऑकर्स एंड एन ऑर्गन कॉल्ड प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड फॉर सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल अलॉन्ग विद द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ साथ क्या होता है, आपका प्लेसेंटा जुड़ा होता है, वहां पे दिखा है आपने, दैट सप्लाईज द फूड मटेरियल, ओके। Now, embryonic development is completed approximately 9 months after fertilization. Fertilization के 9 months के बाद embryonic completion होता है,
और दिस लास्ट स्टेज ऑफ द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, आई विल राइट इट हियर, लास्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, हु कैन टेल मी व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड? लेट्स हियर फ्रॉम सम ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड? I have one response, two, Lakshmi saying fetus. Okay, so yes, basically this is called as fetus, F-O-E-T-U-S. Us jaise jab start hua tha, that was called as embryo, aur jab wo khatam ho raha hai, then it is called as fetus. Yeah, just remember, then it is called as fetus. Okay, it is called as fetus. Usko hum fetus bolte hain, aur starting ke embryo bolte hain. And then, यू कैन से सिंपली क्या होता है आपका वहां पे बेबी का बेसिकली बर्थ होता है, उसके बाद बर्थ होता है. ओके, नाउ अगेन रिमेंबर दिस, इसको बात थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा और फर्दर वी कैन डिस्कस, विल टेक लाइक 5 more minutes एंड देन विल इन द क्लास. ओके, जस्ट 5 more minutes, नॉट मोर देन दैट, जस्ट स्टे विद मी हियर फॉर 5 more minutes. आई होप यू गेट दिस, लेट मी टेक सम डाउट्स, देन ओनली कैन आई गो अहेड एंड क्लियर दिस, विल complete this. If you have any doubt, please let me know. I will share that video in the group as well, or maybe in the Google Classroom group. Quickly let me know if you have any doubt. There are many people present in the group, but I think I feel like very few of you are responding. Like Pooja didn't respond at all. Pooja, Nidhi didn't respond at all. Sufia is not responding at all. Akash is also not responding at all. I hope you guys respond more here. Be very active. Okay. I'm hoping it is clear. Let's further discuss it. Now, here, the question is, man, always remember, the man is totally responsible where the couple will have a boy or a girl child. Why is that? Because XY hota hai. Agar X gaya hai to girl hoga. And if the Y chromosome is gone, then the boy will happen. Okay. So it depends on, and it is very natural. You can't predict. Okay. It is very natural. It is natural. You can't predict ki kya hoga. But responsibility because of why, because of whom? It because of happens with the man's sperm, whether the girl or the aapka Y chromosome jayega to boy, X chromosome gaya to girl. Thinking of this, it is right to consider mother responsible for a girl child. No, that is wrong. Ye aapka superstition hai, yaad rakhiyega. Theek hai, fratricide ko nahi karna chahiye unke fetus ko. Aapko pata na ki jo aapka wo abortion kara dete hain, because they just get to know ki female child aaya hai, girl child. तो वो बहुत गलत है, सुपरस्टिशन है वो पूरा. ठीक है, दैट शुड बी स्टॉप्ड, क्योंकि फीमेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है वेदर द गर्ल चाइल्ड विल कम और द वेदर गर्ल चाइल्ड विल कम और दी आपका क्या होगा और फीमेल बॉय चाइल्ड विल कम. दैट डज नॉट डिपेंड ऑन फीमेल एट ऑल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मेल, बिकॉज दैट द मेल ओनली हैज द एक्स वाई क्रोमोसोम. Male only has the XY chromosome. Agar X gaya hai, to it will X gaya. No Akash, don't get doubt here. X gaya hai, XX. No Akash, X forms girl child. Yaad rakhiyega. This forms girl child. ठीक है? XY forms boy child. Okay. Male has XY, female has XX. अगर female की तरफ से, ऐसे समझिए, ये male लिखा मैंने, यहाँ पे female लिखा. अगर male की तरफ X आया और female की तरफ तो X ही आएगा. तो this is XX combination. So this is girl. Okay. And if from male again I will write and female, if it has come as Y and X, then it is XY and this is a boy. ऐसे याद रखिए.
सो दैट यू कैन सी हियर ओनली द मेल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल वेदर इट विल बी अ बॉय चाइल्ड और द गर्ल चाइल्ड ओनली द मेल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल जस्ट रिमेंबर ओनली द मेल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल नो फीमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ओके जो हमारा सुपरस्टिशन सोसाइटी में जो परेशान किया जाता है फीमेल पर्सन को बिकॉज दे आर ओनली यू नो डूइंग इट लाइक टू गेट द गर्ल चाइल्ड ओके परफेक्ट नाउ विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर ओके विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर ओके माय पेन इज गॉन वेयर इज इट वन सेकेंड हाँ कैन गो अहेड हाँ सो विच हार्मोन इज रिलीज दिस इज ऑक्सीटोसिन याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वो बताता ऑक्सीटोसिन मतलब वो कंप्लीट करता है जब वो फीटल का डेवलपमेंट हो चुका है फीटल डेवलपमेंट पूरा हो चुका है बर्थ नाउ द बर्थ कैन टेक प्लेस द ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिलीज विच गिव्स द सिग्नल टू द ब्रेन ओके समझिए अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट हार्मोन विच ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरबाय बर्थ प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर्चुरेशन याद रखिएगा द बर्थ प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर्चुरेशन सो नाउ अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट हार्मोन विच ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट हु विल आंसर टू दिस वन कौन बताएगा विच ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन यस हु विल टेल मी दिस विच ऑर्गन स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन सा फीमेल ऑर्गन है विच स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग समवन इज सेइंग यूटरस समवन इज सेइंग राम देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेगनेंसी एंड द बर्थिंग राम देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेगनेंसी एंड द बर्थिंग बच्चा प्रेगनेंसी स्टार्ट विद द एम्ब्रायो स्टार्ट ओके इम्प्लांट होने के बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया है ओके बर्थ है लास्ट स्टेज है बच्चा बर्थ So which hormone is released here? कौन बताएगा? The uterus, okay? You can say the uterus starts contract or the stomach or you can say the womb, okay? Mother's womb. I will write it here. Okay. Uterus. Yes, perfect. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now. I will stop sharing this part here because I have to share the screen, other screen. Just give me like 2 more minutes. Just be with me for 2 more minutes. Okay. Here we reach. Right. So you can see it here. For one last time, we can recap through, not recap basically, but I will show you another clear picture of it. So, did we, are we all clear? अभी कैसे हुआ? एक बार मैं और आपको यहाँ पे अच्छे से समझे, एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पे इस another picture के through देख लीजिए. Ovary and ovulated secondary oocyte is released, day zero, sperm fertilizes, ये fertilization हुआ, zygote is formed, फेलोपिन ट्यूब से डे वन यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हो रहा है यहाँ पे देखिए सेंटर में आ चुके हैं देखिए यहाँ पे सेंटर में आ चुके हैं माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स आई विल राइट इट हियर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स मियोसिस नहीं माइटोटिक याद रखिएगा माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स ओके डे टू डे थ्री डे फोर एट मोर डे फोर 3-4 दिनों में ये क्या बन जाते मोरूला बन जाता है 5 to 6 days में इनर मास सेल ब्लास्टोसिस्ट बनता है मैंने बताया था ना इन 5 to 6 days द ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म्ड राइट अच्छा आई थिंक यू कांट सी दिस रेड इट इज ऑलरेडी रेड अलॉट आई विल राइट इट हियर इट विद द व्हाइट कलर एक्चुअली और मे बी डिफरेंट कलर हाँ लेट मी राइट इट विद दिस Within 5 to 6 days, can you all see it now? The blastocyst is formed. Blastocyst is formed. Yaad rakhiyega. Okay, blastocyst forms.
नाउ यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज योर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, कैन यू ऑल सी द एंडोमेट्रियम हियर, दिस इनर लाइन द थिक स्टार्ट्स ड्यूरिंग द आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जायगोट एग, जैसे ही फॉर्म होता है ये आपका थिक होने लगता है, थोड़ा थिक होने लगता है, और यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स डे 7, देखिए जरा इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन हैपेंस एट 7 to 8 days ऑफ, 8 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा, मतलब कि then only you get to know whether the woman is pregnant or not, got it, then you get to know whether the woman is pregnant or not, you can't get to know during the fertilization, fertilization mein nahi pata chalta ki whether the woman has got pregnant or not, you only get to know pregnant ho gaye hain jab blastocyst implant hota hai, when the blastocyst implants, clear, and this blastocyst implants here and this further develops into embryo, और धीरे धीरे फिर क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, ये यूट्रस में एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, एंड देयर यू नो दैट देयर द फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, एंड आई विल राइट इट हियर, एंड फर्दर फर्दर एम्ब्रायोनिक एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हैपेंस, डेवलपमेंट हैपेंस, आर वी क्लियर, अभी परफेक्टली क्लियर, अभी सबको अच्छे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ब्लास्टोसिस्ट याद रखना इनर सेल मास होता है, नथिंग बट द इनर सेल मास, अभी परफेक्टली क्लियर, नाउ आई रियली वांट टू हियर फ्रॉम एवरी सिंगल ऑफ यू प्रेजेंट इन द क्लास राइट नाउ, थैंक यू पूजा, अभी परफेक्टली क्लियर, आई एम आस्किंग एवरीवन, थैंक यू सायरा, थैंक यू लक्ष्मी, आई एम आस्किंग एवरीवन, I want to hear from everyone. If you are clear, perfectly clear, if we have given like one good hour to understand this, and I really want to hear from everyone. Thank you, Sarah. Thank you, Lakshmi. Thank you, Nidhi. Thank you, Akash. Waiting for one or two more responses. I'm waiting for Ram. Thank you, Ram. Who are left? Divya is left. Aditya is left, I think. Thank you, Divya. Sanya, Sufia is there. Sufia, are you there? ओके चलिए इसका मैं आपको एक और अच्छा बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर दिखाता हूँ ठीक है वन मोर क्लियर पिक्चर एंड देन वी आर डन जस्ट वन मोर क्लियर पिक्चर एंड देन वी आर डन आई विल शेयर ऑल ऑफ दिस एट द एंड ऑफ द क्लास आल्सो डोंट वरी ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड हियर रिज्यूम द रिकॉर्डिंग ओके अगेन द मोरूला वंस द मोरूला इज फॉर्मड हियर वंस द मोरूला इज फॉर्मड हियर द 16 सेल थिंग ओके डे 4 डे 5 6 तक में मोरूला बेसिकली अच्छे से आ जाता है अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है ये अभी ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली नहीं हुआ है यहाँ पे लेट स्टेज और ये ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरीके से बन चुका है 67 डेज में और 8 to 9 days में इम्प्लांटेशन happens. The implantation happens. Remember, implantation. Implantation happens. So यहाँ पे this the I was saying कि the यहाँ पे जो आपका ये है wait I'll use a different color. ये जो आपका यहाँ पे ये आपका जो एंडोमेट्रियम लाइन है दिस एंडोमेट्रियम लाइन यू सी हियर ओके दिस एंडोमेट्रियम लाइन यू सी हियर दिस एक्सपेंस ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुल होता है ओके ऊपर की तरफ पुश होता है या फिर पुल से बोल सकते हैं दिस पुल्स टुवर्ड्स द अपवर्ड ओके लिफ्ट टुवर्ड्स द अपवर्ड ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाता है एंड देन द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हैपेंस मतलब ब्लास्टोसिस्ट अंदर की तरफ यहाँ पे कहीं यहाँ पे इस पूरे एरिया में यहाँ पे मतलब कि आपके इंडोमेट्रियम लाइन के अंदर यूट्रस में ही ये इम्प्लांटेशन हो जाता है इम्प्लांटेशन होता है यहाँ पे और यहाँ पे फर्दर एंड आफ्टर द इम्प्लांटेशन आफ्टर इट द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हैपेंस यहाँ पे बाकी का फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हैपेंस ओके और ऑकर्स इस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ बर्थ टेक्स प्लेस सो वी हैव कंप्लीटेड दिस टुडे इफ आई कैन आई वुड वांट टू टेक द डाउट्स फ्रॉम नाउ आई वुड टेक द डाउट्स फ्रॉम हियर इफ एनीवन हैज एनी डाउट सो वी हैव कंप्लीटेड डेवलपमेंट ऑफ बर्थ वी हैव रिवाइज्ड इट
we have completed birth fertilization today. In tomorrow's class, we will start with the menstrual cycle. So, thoda sa have a pre-reading. Okay, it will help you to understand it better. So, have a pre-reading. Okay, that will help you. Now, I will take the doubts now.